स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कमिश्नर ऑफ आगरा को दिनांक 11/1/2023 को लिखित शिकायत दी, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि एक सुपरमेट एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जिस पर जो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो OTT प्लेटफॉर्म है डिज्नी हॉटस्टार, उस पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को गलत तरीके से डाउनलोड करके और इस पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना शाहगंज में मुकदमा अपराध संख्या 14/2023 पंजीकृत हुआ, जो IPC की धारा 420, IT एक्ट की धारा 66 COD और इसके अलावा कॉपीराइट एक्ट 1957 के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जिसका इन्वेस्टिगेशन थाना शाहगंज को सौंपा गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर क्राइम सेल आगरा की मदद से जब पूरी तहकीकात की गई तो जो तथ्य सामने निकल कर आए उसके हिसाब से दिसंबर 2020 में ड्रीम स्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की गई, जिसके डायरेक्टर आशीष दीक्षित और आकाश दीक्षित ये थाना शाहगंज क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने दिसंबर 2020 में एक कंपनी रजिस्टर की और इसके बाद में इन्होंने नीदरलैंड की एक क्लाउड सर्वर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसका लगभग सालाना कॉन्ट्रैक्ट इनका 10 लाख रुपये का था। और इन्होंने इसके बाद में जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टॉरेंट, टेलीग्राम और विडमेट, उसके थ्रू ये कंटेंट डाउनलोड करते थे और इन्होंने इस कंटेंट को अपना जो सुपरमेट एप्लीकेशन जो बनाया था, जो एक थर्ड पार्टी ऐप है, उस पर इन्होंने अपलोड किया और इसके वर्तमान में लगभग 17,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। इस कंटेंट को देखने के लिए इन्होंने दो पैकेज बनाए थे, एक VIP पैकेज और एक गोल्ड पैकेज, जिसकी कॉस्ट 478 और 978 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली थी। इसके आधार पर इन्होंने लगभग पिछले 2 सालों में इस तरीके से फर्जी कंटेंट प्रसारित करते हुए लगभग 67 लाख रुपये इनके अकाउंट में आए थे। वर्तमान में इनके अकाउंट में लगभग 6 लाख रुपये की धनराशि थी, जिसको कंसर्न्ड बैंक को लिखते हुए उसको सीज करवा दिया गया है। और इसमें से जो मुख्य आरोपी है आशीष दीक्षित, उसको थाना शाहगंज की टीम और साइबर क्राइम सेल ने आज अरेस्ट किया है। और इनका जो दूसरा साथी है, जो इनका भाई है, उसको भी उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में इनके अकाउंट से जो धनराशि थी उसको भी सीज करवा दिया गया है। और इस तरीके से ये साइबर क्राइम सेल आगरा ने त्वरित जो है इसमें कार्यवाही करते हुए एक अच्छा काम किया है।